वहीं पे आपका कैट कैन सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए कैट कैन सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। राइट, सो स्केच बेस्ड फीचर्स में बेसिकली हम लोग स्केच ड्रॉ करके उसे 3D में कन्वर्ट करते हो। ओके, ऑल फीचर्स के लिए देखा आपने कि हमें फर्स्ट स्केच क्रिएट करना है एंड देन 3D में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट टूल बार जो होगा हमारा वो है ड्रेस अप फीचर्स। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3D कॉम्पोनेंट अवेलेबल है सो उसमें हम लोग एडिटिंग ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, इसलिए स्टार्ट में आप देख सकते हो ऑल टूल्स इसके ऑफ है। जब हम लोग यहाँ पे कोई 3D कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे ये टूल्स ऑन हो जाएंगे। ओके, सो अगेन स्केच प्लेन एक सिंपल रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जिट एंड पैड। ओके, अगेन पैड मुझे मिरर एक्सटेंड चाहिए, सो मिरर एक्सटेंड 20, थोड़ा सा रेक्टेंगल का साइज इंक्रीज कर रहा हूं। ओके, अब देखो जैसे ही हमने कोई भी एक सॉलिड क्रिएट करो यहां पे आपके ड्रेस अप फीचर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स ऑन हो जाएंगे। ओके, अब इस पार्ट को अगर आपको एडिट करना है सो उसके लिए यहां पे मल्टीपल टूल्स है ड्रेस अप फीचर्स में। ओके, फर्स्ट रहेगा फिलेट। नाउ फिलेट हमने 2D में यहां पे कॉर्नर दिखा था। ओके, कॉर्नर और फिलेट जो शार्प एजेस को यहां पे हम लोग फिलेट अप्लाई करते हैं। ओके, उसके बाद चैम्फर भी था, एजेस को हम लोग यहां पे चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग 3D में भी सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, फिलेट देन उसके 5 टाइप्स है एंड चैम्फर, दोनों ऑपरेशन हम लोग डायरेक्टली 3D में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलेट इसका ड्रॉप डाउन आप बाहर निकाल सकते हो एंड इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स शो करेगा फिलेट के। ओके, फर्स्ट वन होता है सिंपल एज फिलेट, सिलेक्ट करो जिस भी एज में आपको फिलेट चाहिए वो एज सिलेक्ट करो। यहां पे आपका सबसे फर्स्ट रहेगा रेडियस। ओके, ऑब्जेक्ट पे फिलेट मीन्स आपने ये एज सिलेक्ट किया है एंड कटिया में जब भी आप एज सिलेक्ट करोगे रेड कलर में शो करेगा, जब भी आप फेस सिलेक्ट करोगे वो ऑरेंज कलर में शो करता है। ओके, सो यहाँ पे आपका एज सिलेक्टेड है 10 mm एंड ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फिलेट अप्लाई हो जाएगा। ओके, अगेन इस फिलेट को अगर आपको एडिट करना है, रेडियस चेंज करना है, डायरेक्टली उस फिलेट पर डबल क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे आप रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओके, डिलीट करना है डायरेक्टली ट्री से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो आप। ओके, सो ये फर्स्ट बेसिक ऑप्शन होगा सिंपल फिलेट, एज फिलेट का। नाउ इसमें हम लोग मल्टीपल एजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिलेट सिलेक्ट एज। ओके, कंट्रोल होल्ड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एजेस पे क्लिक कर सकते हो ऐसे। ओके, यहां पे भी चाहिए आपको 15 रेडियस चाहिए एंड एंटर। ओके, सो जो जो एजेस आपने सिलेक्ट किए उन एजेस को एक साथ फिलेट अप्लाई हो जाएगा। नाउ अगर आप एडिट करोगे 10 ऑल एजेस जो भी आपने सिलेक्ट किया उन सबका रेडियस 10 हो जाएगा। ओके, अगर आपको डिफरेंट रेडियस चाहिए सो अलग अलग एज फिलेट अप्लाई करो। ओके, मीन्स फर्स्ट इन दोनों को करो, नेक्स्ट आपको जो भी चाहिए उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ अगेन फिलेक्ट। ओके, अब यहां पे मैं एक एज सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, इस एज को मैंने फिलेट किया फॉर एग्जाम्पल 20 एंड ओके। ऑलराइट, अब इस एज को अगर मैंने फिलेट किया सो यहां पे देखो ये जो एज था इससे एक आर्क कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स ये टेंजेंशियल आर्क होता है। अगर आप इसे देखोगे स्केच में, अगर आप ये क्रिएट करोगे सो आपको पता है कि इस लाइन में एंड इस आर्क में यहां पे टेंजेंसी कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए ये ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन हो रहा है। ओके, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हो आप यहां पे रफ कॉर्नर से। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस एज को फिलेट अप्लाई करोगे आप देख सकते हो ये टोटल एज सिलेक्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहां पे आपका स्मूथ एज है जो टेंजेंशियल है दोनों लाइंस को। सो अब अगर आपने यहां पे 15 का फिलेट अप्लाई किया सो ये ऑल टू एजेस को या एंड ये थर्ड एज, सो ये तीनों को फिलेट अप्लाई कर देगा। ओके, सो यहां पे अगर आपको फॉर एग्जांपल यहां पे टेंजेंशियल एज है फिर भी सिर्फ ओनली दिस एज को आपको फिलेट अप्लाई करना है, सो सिलेक्ट फिलेट सिलेक्ट एज एंड नेक्स्ट सिलेक्शन मोड्स होगा। ओके, सिलेक्शन मोड में टेंजेंसी ऑन है, मींस टेंजेंशियल जो जो एजेस है ऑल एजेस को फिलेट अप्लाई हो जाएगा। यहां पे मिनिमल सिलेक्ट करो। ओके, यहां पे ही आपका फिलेट स्टॉप हो जाएगा। ऑलराइट एंड ओके, अब आप देख सकते हो ओनली दिस एज को फिलेट हो गया। ओके, सो इस वे में आप
टेंजेंसी सिलेक्शन मोड से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट हमेशा टेंजेंसी सिलेक्टेड होता है, सो इसे चेंज करके मिनिमल कर सकते हो। मिनिमल मींस ये जो टेंजेंसी रिलेशन है इसे फॉलो नहीं करेगा ये, एंड ओके ओनली सिंगल एज को फिलेट हो जाएगा। ओके नाउ इसमें और दो रिलेशंस है, फॉर एग्जांपल फिलेट, एज सिलेक्ट किया मैंने, ओके और विदाउट एज सिलेक्शन भी फिलेट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स डिफरेंट बॉडीज का अगर इंटरसेक्शन हो रहा है सो उसमें आप फिलेट अप्लाई कर सकते हो, ना बॉडीज का या फीचर्स का। जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आपने टूल बार्स का नेम देखा होगा, स्केच बेस्ड फीचर्स, ड्रेस अप फीचर्स। ओके फीचर्स किसे कहा जाता है, ये आपका एक पैड है, ओके ये एक फीचर हो गया, ओके नेक्स्ट आपका ये फिलेट है, ये एक फिलेट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे एक होल क्रिएट किया फॉर एग्जाम्पल, ये एक फीचर हो गया, ओके सो ऑल ऑपरेशंस जो है जो आप 3D में करते हो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स कहा जाता है, ओके एंड इसीलिए कटिया को एक फीचर बेस्ड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके फीचर बेस्ड मॉडलिंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, ओके ईच एंड एवरी फीचर अलग अलग होता है। ऑलराइट सो अगेन नाउ फिलेट, यहां पे इंटरसेक्शन किया एंड ऑब्जेक्ट टू फिलेक्ट में अब आपको बॉडी सिलेक्ट करना होता है, सो यहाँ पे मैंने बॉडी सिलेक्ट किया। सो अब देखो इस बॉडी में दो फीचर्स है, एक तो आपका पैड होगा एंड एक तो आपका एज फिलेट होगा, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन जिस एजेस में हो रहा है वहां पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। ओके पैड तो ये कंप्लीट है, ये आपका फिलेट है, फिलेट एंड पैड कहां पे टच हो रहा है एक दूसरे को, ये फिलेट है। ओके सो ये ऊपर वाला एज एंड नीचे वाला एज ये कॉमन है इन दोनों फीचर्स में, सो फिलेट इंटरसेक्शन बॉडी सिलेक्ट करो, इन दोनों एजेस को जो भी आप फिलेट अप्लाई कर रहे हो वो अप्लाई हो जाएगा। ओके ऊपर वाला एज एंड नीचे वाला, क्योंकि यहां पे ये जो दो फीचर्स है इसमें इंटरसेक्शन इन दो एजेस में था। ओके अगेन डिलीट, अगर यहां पे आपके पास फिलेट नहीं है या फिर दूसरा कोई फीचर नहीं है, सिंपल ओनली सिंगल बॉडी है आपके पास, ओके फिलेट एंड इंटरसेक्शन। अब अगर आप इसे पैड को सिलेक्ट करोगे एंड प्रीव्यू करोगे सो यहां पे एरर आ जाएगा, क्योंकि एक ही फीचर है, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है दो फीचर्स में। ऑलराइट सो इसीलिए टू और मोर फीचर्स और बॉडीज जब होगा तब आप उनके इंटरसेक्शन में फिलेट अप्लाई कर सकते हो। ओके अगेन फिलेट, यहां पे मैं फर्स्ट फिलेट क्रिएट कर रहा हूं। ओके अब हमारे पास दो फीचर्स है एंड ये फीचर कंप्लीट बॉडी को कहां पे कनेक्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला एज एंड नीचे वाला एज ये कॉमन है इन दोनों में, सो फिलेट इंटरसेक्शन बॉडी सिलेक्ट करो, जहां पे इंटरसेक्शन है अपने आप देखो वो दो एजेस हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में एंड ओके वहां पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। ओके नाउ ये टाइप्स अगर आपको यूज नहीं करना तो भी चलेगा, क्योंकि आप सिंपल फिलेट से टेंजेंसी फिलेट से भी जिस एजेस को चाहिए उसे फिलेट कर सकते हो। ओके सेम रिजल्ट रहेगा, सो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा टाइप सिलेक्ट कर रहे हो इसमें। ओके यहाँ पे कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आपको इंटरसेक्शन यूज करना है, आप सिंपल फिलेट से भी टॉप एज बॉटम एज को सिलेक्ट करो, सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके अगेन नेक्स्ट फिलेट, अब लास्ट वन रहेगा इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फीचर्स। अब यहाँ पे अगर टू से ज्यादा फीचर्स है सो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फीचर के साथ हमें इंटरसेक्शन वाला फिलेट चाहिए। ओके फॉर एग्जांपल इस एज पे भी हमने फिलेट अप्लाई किया। ओके अब देखो हमारे पास थ्री फीचर्स है, ऑलराइट सो फिलेट इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फीचर्स। ओके फर्स्ट ये बॉडी सिलेक्ट होगा एंड देन सिलेक्टेड फीचर में हमारा फीचर सिलेक्ट होगा, फिर वो ये एज फिलेट हो सकता है या फिर सेकंड वाला एज फिलेट हो सकता है। मैं फर्स्ट वाला ये एज फिलेट अप्लाई करो एंड अब देखो वो दो एजेस फिलेट हो रहे हैं। ओके जैसे नॉर्मल इंटरसेक्शन में था, बट अगर हमने नॉर्मल इंटरसेक्शन किया तो क्या होगा, ऑल फोर एजेस सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि तीनों फीचर्स को यह कंसिडर करेगा। सो इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फीचर्स में पर्टिकुलरली हमें जो फीचर चाहिए वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके। ऑलराइट और बेस्ट वे में इसे शो करने के लिए अब देखो टॉप फेस सिलेक्ट, यहां पे मैंने एक सर्कल पैड किया
अब देखो हमारे पास टोटल फोर फीचर्स है, पैड, एज फिलेट एंड पैड, ओके। सो नेक्स्ट फिलेट, इंटरसेक्शन अगर किया एंड बॉडी को सिलेक्ट किया, जो भी एजेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है उन सबको फिलेट अप्लाई हो गया, देखो ओके। ये ऊपर वाला इंटरसेक्शन एज नहीं है क्योंकि इन दोनों में सिर्फ ये एज कॉमन है, ओके। ये किसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, ओके। सेम यहां पे कोई फीचर नहीं है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट फिलेट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फीचर्स, फर्स्ट आपको यहां पे ऑब्जेक्ट टू फिलेट में बॉडी सिलेक्ट करना है, ओके। एंड सिलेक्टेड फीचर में अब हमारे पास थ्री फीचर्स है, एज फिलेट 6, 7 एंड पैड। अब मुझे ये पैड चाहिए, सो इसे सिलेक्ट करो। अब देखो इस बॉडी में एंड इस पैड में ओनली ये सिंगल एज कॉमन है, ओके। सो यहाँ पे जो भी आपको रेडियस चाहिए ओके कर सकते हो आप, ओके, वहां पे फिलेट आ जाएगा। अगेन अगर आपको सिंपल फिलेट से अप्लाई करना है, फिलेट एज सिलेक्ट करो ना। यहां पे देखो बहुत बार आपका ये फेस सिलेक्ट हो जाएगा, सो जब भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे कर्सर स्टॉप करो, वहां पे वो नेम शो करेगा एज पैड 5 पैड बॉडी। सो आप देन एज सिलेक्ट कर सकते हो एंड जो भी रेडियस होगा ओके कर दो, आपका सिंपल फिलेट ऐड हो जाएगा, ओके। सो ये फिलेट में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है।